अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई कि जलदाय विभाग कार्यालय पर महिलाओं का पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। ऐसा ही नजारा मनुमार्ग जलदाय विभाग कार्यालय पर देखने को मिला, जहां धोबीघट्टा क्षेत्र की रहने वाली सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंची और जलदाय विभाग के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग में अधिकारियों के नहीं मिलने के चलते महिलाएं आक्रोशित हो गई। महिलाओं ने बताया कि धोबीघट्टा क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या है। गरीब मजदूर वर्ग होने के कारण रोजाना टैंकर डलवाना भी संभव नहीं है। ऐसे में महिलाओं का सारा समय दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाने में गुजर जाता है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन में जलदाय विभाग के आंख मूंद कर सोया हुआ है। सर्दियों में भी पानी को लेकर बदतर हालात थे, लेकिन अब गर्मियों में क्या स्थिति होगी ये तो राम ही जाने। महिलाओं ने कहा क्षेत्र में केवल दो बोरिंग है, वह भी सूख चुके हैं। कई बार तो उन बोरिंग से पानी भरने को लेकर रात भर झगड़े होते हैं। ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करा लिया जाता है तो मौके पर अधिकारी नहीं मिलते हैं। ऐसे में किस तरह पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। पानी की समस्या है, ना पानी की सुविधा है, ना कुछ है। पूरी पूरी रात धरने में निकल जाते हैं। हमको दो बोरिंग लेंगे तो पानी नहीं है, एक में बूंद भी। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? धोबीघट्टा वहीं रहते हैं, वहीं के रहने वाले हम। अच्छा, पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। पूरी रात हो जाती है हमको, पूरी रात हो जाती है बैठे बैठे, पानी नहीं आता है। ज्यादा करते लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मुड़माते फूटते हैं। फायदा क्या है? यहाँ अधिकारी कोई भी नहीं है, सारे भाग गए, एक भी अधिकारी नहीं है।